everyone. Good morning, ma'am. Good morning, coordinator ma'am, respected teachers and my dear friends. आज आपको पता है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? किसी को कुछ पता है? Why? No, ma'am. No, किसी को भी कुछ idea है? Any guesses? Ma'am, बकरीद. Okay, बकरीद क्या? आगे. आज हम यहाँ पर बकरी ईद मतलब ईद उल जोहा या ईद उल अधा इसे कहते हैं उसे आज हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. मंडे को छुट्टी है ना आप लोगों की? Yes, तो किस वजह से छुट्टी है आपकी? बकरी. हाँ, आपको पता है कि हम बकरीद क्यों मनाते हैं? ईद उल जोहा क्यों मनाते हैं? नहीं पता क्यों मनाते हैं? किसी को भी नहीं पता क्यों? नहीं, चलो मैं आज आपको बताती हूँ कि हम ईद क्यों मनाते हैं. भारत देश विभिन्न धर्मों और जाति का देश है. यहाँ अनेकता में एकता है. भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब धर्मों के लोग अपने एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं. भारत में सभी त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है. यहाँ पर सारे रिलीजन के लोग रहते हैं ना बच्चों? Yes, कौन कौन से रिलीजन है मुझे बताओगे आप लोग? कौन कौन से? मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि हम ईद क्यों मनाते हैं. इसके पीछे की स्टोरी जानना है कि हम ईद क्यों मनाते हैं? ईद तो मनाते हैं पर क्यों मनाते हैं आज हम इसको आपको स्टोरी भी बताते हैं. मुस्लिम अपने खुदा अल्लाह की इबादत करते हैं. वह अल्लाह को खुश रखने के लिए नमाज पढ़ते हैं और पूरी नमाज की पाबंदी करते हैं. मुस्लिम मजहब को मानने वाले लोग का खास त्यौहार ईद होता है. मुस्लिम वो कौन सा खास त्यौहार होता है? ईद. ये रमजान खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है. इसमें इसको ईद उल जोहा भी कहा जाता है. अब मैं आपको एक स्किट के द्वारा हम आपको बताएंगे कि ईद उल जोहा हम क्यों बनाते हैं. हजारों वर्ष पहले मोहम्मद इब्राहिम अपनी पत्नी जहरा और बेटे इस्माइल के साथ रहते थे. एक दिन वह अल्लाह के हुक्म से उन्हें मक्का छोड़ने को चले गए. मक्का में रेगिस्तान था और उनके पास कुछ ही दिनों का खाना और पानी था. वहाँ भी खत्म होने वाला था. एक फरिश्ते भेजा और उसने कुआं खोदा और कुएं में से जमजम का पानी निकला. ऐसे ही करके धीरे धीरे मक्के में जो पूरा रेगिस्तान था वहाँ लोग बसर होने लगे और बड़े ही खुश से रहने लगे. कई वर्ष तक इब्राहिम की पत्नी व बेटा इस्माइल मक्का में रहे. कई वर्ष बाद इब्राहिम को अपने बेटे इस्माइल और बीबी की याद आई. उन्होंने मिलने का फैसला किया. जब वह मक्का पहुंचे उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी का इंतकाल हो चुका था. वह अपने बेटे इस्माइल से मिले और बहुत खुश हो गए. खुशी खुशी दिन बिताने लगे. एक रात इब्राहिम को सपना आया कि उन्होंने देखा कि वो अल्लाह की राह में अपने सबसे प्यारे चीज यानी अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे.
वह चौंक कर उठे और घबरा गए। इसी तरह कई दिनों तक उनको यूं ही सपने आते रहे। इब्राहिम ने एक दिन यह तय किया कि वह यह बात अपने अब्बू अपने बेटे इस्माइल को कहेंगे। उन्होंने इस्माइल को बुलाया और सब बात बताई। इस्माइल ने बोला, अब्बू मैं तैयार हूँ अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए। वो दोनों एक पहाड़ी पर जाते जा रहे। इब्राहिम ने अपने साथ एक चाकू रस्सी साथ में ली। इब्राहिम ने अपने बेटे के हाथ पर रस्सी बांध दी और खुद की आंखों पर पट्टी बांध ली।